हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में लगी आग। बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में शनिवार शाम आग लग गई। आग का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशमन केंद्रों से करीब आधा दर्जन से अधिक दमकलों को बुलवाना पड़ा। आग में हुए नुकसान का आंकलन अभी तक नहीं किया गया है। बासनी अग्निशमन केंद्र को शनिवार शाम करीब 4 बजे सूचना मिली कि बासनी गली नंबर 6 में स्थित एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में आग लग गई है। आग की सूचना पर एक दमकल वाहन वहां भेजा गया, लेकिन तब तक आग तेज हो गई थी। वहां भारी मात्रा में तैयार और कच्चा माल पड़ा था। काफी मात्रा में लकड़ियां और पैकिंग सामान, साथ ही थिनर और केमिकल भी रखा हुआ था। आग बढ़ते देख शास्त्री नगर और नागौरी गेट अग्निशमन केंद्रों से भी दमकल वाहनों को बुलाया गया। करीब 8 दमकल वाहनों ने यहां पर आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक काफी मात्रा में सामान जल गया, लेकिन दमकल कर्मियों ने काफी सामान बचा लिया और आग को बढ़ने नहीं दिया, वरना यहां बड़ा हादसा हो सकता था। फैक्ट्री का संचालक विनोद राजपुरोहित बताया गया है, रात तक आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा था। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।